देखते हैं क्या कहेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट यूपी सरकार ने आज पेश किया है, और ये जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा, अमृतकाल का पहला बजट है, और वाकई में इससे उत्तर प्रदेश के अमृतकाल की शुरुआत होने जा रही है। इसमें गरीबों का खास तौर से ध्यान रखा गया है, और जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि ये जो है अंत्योदय की ओर ले जाने वाला बजट है, जो कि हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, यानी कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी ऊंचा उठाने का, सरकार उसका हाथ पकड़ने का काम इस बजट के माध्यम से कर रही है। सरकार ने बजट पास किया है, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज़ादी के बाद प्रथम बार इस तरीका का बजट पेश हुआ है, जिसमें कि गरीब मजदूर एवं अन्य लोगों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, और एक अटल जो स्कूल के लिए श्रमिक मजदूरों के लिए एक योजना जो लागू की गई है, जो प्रावधान किया गया है, इससे पूरे प्रदेश में जो खुशी है। आप लोगों कैसे देख रहे हो बजट से, खुशी हो रही है? खुशी है। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि इस बार जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट पास किया गया है, वाकई ऐतिहासिक बजट है। 7 लाख करोड़ के अप्रोक्स जो है ये बजट पास किया गया है। इसमें सरकार ने इस बार किसानों को और स्वास्थ्य को लेकर, और विशेष तौर पे शिक्षा को लेकर और एग्रीकल्चर को, यानी किसान लंबे समय से परेशान थे, शिक्षा को लेकर जो बढ़ावा, यानी कि जो सरकार बढ़ावा देने का कार्य कर रही है, उस पर पुरजोर जो है सरकार ने ध्यान दिया है। उसके अलावा लगातार जो प्रदेश में विकास चल रहा है, उसको लेकर भी बजट की जो है ऐतिहासिक बजट है। तो बहुत वाकई जो इस बार बजट पास हुआ है वो बिल्कुल ऐतिहासिक बजट है। आम लोगों को फायदा मिलेगा? देखिए, बिल्कुल आम लोगों को बिल्कुल फायदा मिलेगा। बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, कहीं ना कहीं रोजगार इसमें मिलेगा बेरोजगारों को। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो है निवेश भी, बाहरी विदेशी कंपनियां जो है निवेश कर रही है, तो उससे भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम होने जा रहा है। योगी सरकार ने बजट पेश किया है, क्या कहेंगे? भैया, ये सबसे बड़ा बजट है अपने जब से आजादी हुई है और उत्तर प्रदेश का गठन हुआ है, उस समय से आज तक का सबसे बड़ा बजट है ये, और ये जन उपयोगी बजट है, और सबके लिए इसमें ध्यान रख के बजट दिया गया है। इसमें शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, और सड़क पे, और बिजली पे बहुत ध्यान दिया गया है, और हवाई जहाज, पहले 2 थे अड्डे हमारे यहाँ, आज 21 अड्डों पे 9 तो तैयार है और 21 अड्डों पे काम चल रहा है, और ये यूनिवर्सिटी बन रही है, जैसे ये महाराजा इनकी चौधरी सी राजा महेंद्र प्रताप साहब की यूनिवर्सिटी बनी है, और अलीगढ़ में तो इतना विकास हो रहा है, और चारों तरफ विकास ही विकास हो रहा है, विदेशी इतना निवेश आया है, और इनका लक्ष्य 10 लाख करोड़ का बजट का उसका निवेश का है, और इतना बजट आ रहा है, इससे काम बहुत बढ़ेगा और बेरोजगारी खत्म होगी।